अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप अपने अधूरे सपने को अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। इस वजह से अमूमन ऐसा होता भी है कि बच्चे और पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती। लेकिन एक पिता ने जो सपना अपने लिए देखा था, उसको उसके बेटे ने पूरा किया। वो बेटा और कोई नहीं बल्कि मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्रोवर हैं। जी हाँ, सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर के पिता रेडियो अनाउंसर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता यानी कि सुनील के दादाजी इसके सख्त खिलाफ थे। मजबूरन उन्हें बैंकर बनना पड़ा, लेकिन सुनील के साथ उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। सुनील बचपन से ही मिमिक्री करते थे, उनके पिता ने उन्हें कभी नहीं रोका इसके लिए, इनफैक्ट उन्होंने इसको बढ़ावा भी दिया। सुनील बचपन से ही समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से थिएटर की डिग्री ली। इस दौरान अभिनेता जसपाल भट्टी अपने शो फुल टेंशन का ऑडिशन ले रहे थे। सुनील ने भी ऑडिशन दिया, उनका सिलेक्शन भी हो गया। यूं तो ये शो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होता था और ये पहला शो था जिसमें सुनील को टेलीविजन पर आने का मौका मिला था। साल 1998 में अजय देवगन और काजोल की फिल्म प्यार तो होना ही था रिलीज हुई थी। अगर आपको याद हो तो उस फिल्म में कॉमेडी सीन था जब नाई ने अजय देवगन की दाढ़ी बनाते समय आधी मूंछ काट दी थी। इस सीन में नाई का किरदार निभाने वाले अभिनेता और कोई नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर ही थे। जी हाँ, साल 2001 में उन्होंने डिसाइड किया कि अब वह मुंबई जाएंगे। फिर बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़े मुंबई। परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मुंबई में उन्हें रहने की दिक्कत भी नहीं हुई। साल 2002 में अजय देवगन की फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में वो एक छोटे से रोल में नजर आए थे। इसके बाद सुनील ने सब टीवी के शो गुटर गु के लिए 26 एपिसोड शूट किए, जिसके बाद उन्हें खबर मिली कि उन्हें अन्य अभिनेता कुणाल कुमार के साथ उन्हें रिप्लेस कर दिया है। यह शो उनके लिए बड़ा ब्रेक साबित हो सकता था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कई फिल्में की जैसे गजनी, हीरोपंती, जिला गाजियाबाद, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें 1 से 2 मिनट का ही रोल मिलता था। इसके बाद सुनील के करियर में एक बड़ा उछाल आया जब उन्होंने कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुत्थी के किरदार से लोगों का दिल जीत लिया और उनके दिलों में अपनी खास जगह बनाई। सुनील का ये अवतार लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाने लगा था। कभी कभी तो दर्शक केवल सुनील को देखने ही आते थे। ये पॉपुलैरिटी जो सुनील को मिली उनसे संभाली नहीं जा रही थी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब उनके बिना कपिल शर्मा शो तो चल ही नहीं सकता, तो उन्होंने अपनी पेमेंट बढ़ाने को कहा, लेकिन कपिल ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ये शो ही छोड़ दिया। इस बीच वह अभिनेता अक्षय कुमार के साथ फिल्म गब्बर इज बैक में नजर आए। इसमें उनका किरदार एक कांस्टेबल का था। फिल्म में उनके रोल को काफी पसंद किया गया था। सुनील ने कपिल के कंपटीशन में शो मैड इन इंडिया शुरू किया, लेकिन वह बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। इधर कपिल शर्मा का भी शो कलर चैनल से किसी वजह से बंद हो गया था, जिसके बाद कपिल और सुनील ने एक बार फिर हाथ मिलाया और सोनी टीवी पर शो दोबारा शुरू हुआ। चूंकि गुत्थी के किरदार का कलर चैनल के पास कॉपीराइट था, इस वजह से सुनील इस किरदार को प्ले नहीं कर सकते थे। लेकिन सुनील जब शो पर डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी के किरदार में नजर आए, तो एक बार फिर उनका ये किरदार लोगों के दिल और दिमाग पर छा गया। लेकिन सुनील और कपिल की एक बार फिर लड़ाई हो गई। इसके बाद सुनील ने फिर से वही गलती की जो वह पहले कर चुके थे। उन्होंने कपिल के खिलाफ एक अन्य शो शुरू किया जिसमें वह नाकामयाब रहे। सुनील की नाकामयाबी की बड़ी वजह थी वह कपिल बनने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वह सुनील है। साल 2017 में सुनील ग्रोवर ने फिल्म कॉफी विद डी में काम किया जो फ्लॉप हुई। फ्लॉप शो और फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म पटका में डीपर का किरदार निभाया जो दो बहनों के बीच लड़ाई कराता था। उनका ये किरदार ऑडियंस द्वारा काफी पसंद किया गया। साल 2019 में सुनील को मौका मिला सलमान खान की फिल्म भारत में उनके दोस्त विलायती खान का किरदार निभाने का। इस फिल्म में उन्हें दो चीजें दी सुनील को, पहले तो अधिक पॉपुलैरिटी मिली, दूसरा उनके सर पर सलमान का हाथ था।
हमने हमेशा सुनील को कॉमेडियन के किरदार में देखा है, लेकिन सीरीज तांडव में उनका किरदार देखने लायक था। एक दमदार किरदार में सुनील नजर आए थे। कुछ समय पहले वो वेब सीरीज सनफ्लावर में भी दिखाई दिए थे। आप जो कहानी सुन रहे थे, इसे लिखा है प्रगति राज ने, और मैं हूँ छवि, जो आपसे फिर मिलने का प्रॉमिस करते हुए अब विदा लेती हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, देखते रहिए, सुनते रहिए मायापुरी कट।